सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर पूरी टेबल को ही हमें रोटेट करना हो तो हम कैसे करेंगे, यानी कि हॉरिजॉन्टल टेबल को अगर हमें वर्टिकली रोटेट करना हो तो हम कैसे करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर इससे पहले भी कई इंपॉर्टेंट टॉपिक में कवर कर चुका हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर हमने दो पेज लिए हुए हैं, साइज थोड़ा छोटा रखा है ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि टेबल कैसे रोटेट हो रही है। तो पहले पेज पे हमने एक हॉरिजॉन्टल टेबल बनाई हुई है, अब इसी को दूसरे पेज पे हम वर्टिकली रोटेट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड में यहां देखिए टेबल के जस्ट ऊपर एक प्लस का साइन आपको यहां पर दिख रहा है, ये रहा प्लस का साइन। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो पूरी टेबल आपकी जो है वो सेलेक्ट हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, सिलेक्शन के बाद हमें कंट्रोल सी यानी कि कॉपी कर लेना है। तो ये देखिए हमने कंट्रोल सी दबाया और पूरी टेबल जो है वो कॉपी हो गई। अब हमको दूसरे पेज पर अपना कर्सर लाना है, तो देखिए कर्सर हम यहां पर अपना ले आए, ठीक है, ये देखिए कर्सर ब्लिंक कर रहा है। उसके बाद हमको जाना है लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर के रिबन में इंसर्ट टैब, मेरा इंसर्ट टैब, इस पर क्लिक कर दीजिए तो नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। हमको राइट साइड में चलते जाना है और यहां हमको ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट बॉक्स का, ठीक है, ये रहा टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन। इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करिए और नीचे देखिए यहां पर एक ऑप्शन मिलता है ड्रॉ अ टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, ये रहा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक प्लस का साइन बनकर के आ जाएगा यहां पर। अब यहां पर हम एक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा टेक्स्ट बॉक्स इतना बड़ा क्रिएट करिएगा कि पूरी टेबल उसमें उसमें आ जाए, ठीक है, अदरवाइज ये ओवरलैप कर जाएगा। तो ये देखिए हमने यहां पर एक बीच में एक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो क्रिएट कर दिया। अब जो टेबल हमने वहां कॉपी करी थी उसी को हम यहां पर पेस्ट कर देंगे। तो कंट्रोल वी जैसे ही हमने दबाया आप देखिए टेबल यहां पर पेस्ट हो गई। अब बहुत सिंपल है, ये देखिए ये गोला सा चक्री जैसा दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है, इसको पकड़ करके आप जो टेबल को आप रोटेट करा सकते हैं। ये देखिए ये हमने टेबल यहां पर रोटेट कर दी, ठीक है। अभी वीडियो स्किप मत करिएगा क्योंकि इसके इसके साइड में एक आउटलाइन बनती है, उसको हटाना जानना है कैसे हटाएंगे उसको, ठीक है। ये हमारी टेबल रोटेट हो गई। अब यहां नीचे क्लिक करिएगा, ठीक है, राइट में मत क्लिक करिएगा अदरवाइज ये फिर से हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, ठीक है। तो नीचे देखिए हमने यहां पे क्लिक किया, अब आप देख सकते हैं कि इसके चारों ओर एक आउटलाइनिंग बनकर के आ रही है। अब हमें क्या करना है, इस आउटलाइनिंग पे क्लिक कर दीजिए तो आउटलाइनिंग हमारी सेलेक्ट हो जाएगी, ऊपर एक नया टैब बन के आ जाएगा फॉर्मेट टैब, ठीक है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए शेप आउटलाइन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहां से नो आउटलाइन जैसे हमने सेलेक्ट किया आप देखेंगे कि टेबल जो थी है उसके चारों ओर जो लाइन थी वो हट गई, तो हमारी पूरी टेबल जो है वो वर्टिकली रोटेट हो गई, ठीक है।